कल शूटिंग कर रही थी, उसी का निकला नहीं अभी तक, और कुछ नहीं है। और कुछ रहेगा तो मैं चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट के सबको बता के शादी करूंगी, छुप के मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अधर्म कोई नहीं करूंगी मैं। कब तक शादी कर रही मैडम? फिलहाल तो मैं कमाने में बिजी हूँ तो फिलहाल मेरा पूरा इंटरेस्ट पैसे कमाने में, अच्छा अच्छा फिल्म करके नाम कमाने में। जब लगेगा कि अब शादी करनी है, फैमिली चाहिए, तब कर लूंगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा। कल शूटिंग कर रही थी, उसी का निकला नहीं अभी तक, और कुछ नहीं है। और कुछ रहेगा तो मैं चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीट के सबको बता के शादी करूंगी, छुप के मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अधर्म कोई नहीं करूंगी मैं। कब तक शादी कर रही मैडम? फिलहाल तो मैं कमाने में बिजी हूँ तो फिलहाल मेरा पूरा इंटरेस्ट पैसे कमाने में, अच्छा अच्छा फिल्म करके नाम कमाने में। जब लगेगा कि अब शादी करनी है, फैमिली चाहिए, तब कर लूंगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा। खबर आई थी कि 25 लाख रुपए के गहने आपके चोरी हो गए, वो मिल भी गए। चोरी हो गया था तो उस समय क्या सिचुएशन था आपका? 24 आवर्स में रिट्रीव हुआ था वो। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि ऐसे फटाफट काम सब हो जाता है, लेकिन मेरे साथ सही में हुआ है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन उन 24 घंटों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है बराबर से, बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत डेंजरस होता है कि आप कमरे में हैं, आप सोए हुए हैं, आपको आप नींद में, और कोई आपके कमरे में आके आपका बैग लेकर चला गया। सो दैट थॉट वॉज हॉन्टिंग मी अ लॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक मैं उस सदमे में थी। अभी भी मुझे मैं थॉट आता है कि कोई मेरे रूम में आके बैग लेके गया था तो मैं डर जाती हूँ। लेकिन वो जल्दी वापस मिल गया, पर जब तक मिला नहीं था तब तक मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत परेशान थी। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा एक फैमिली फंक्शन था, 28 तारीख को मेरे घर पे एक शादी थी और उसके लिए मेरे पेरेंट्स आए थे, मम्मी पापा दोनों। तो वो मम्मी का सारा ज्वेलरी मम्मी का था, मेरी तो सिर्फ एक दो अंगूठी थी, सारी ज्वेलरी मम्मी की थी। और मुझे लगता है कि अब मम्मी कहीं पे भी ज्वेलरी लेके नहीं जाएगी, वो जहाँ जाएगी सब जगह नकली ही पहनेगी, बोलेगी ज्वेलरी लॉकर में रहने देती हूँ मैं। तो इट वॉज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, पर भगवान की कृपा से सब मिल गया, सब कुछ ठीक है। मुझे और मम्मी को कुछ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, आप सबका आशीर्वाद है।